हर सुबह सूरज की किरणें हर दिल में एक नई उम्मीद जगाती है, उम्मीद कुछ नए सपने देखने की, थोड़ी और मेहनत करने की। हर साल लाखों एस्पिरेंट्स आईएएस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं। आईएएस प्रिपरेशन के लिए राइट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या ये आपसे एग्जाम डिमांड करता है, आईएएस बनने के लिए एलिजिबिलिटी, एज, क्वालिफिकेशन, क्राइटेरिया क्या है, इस सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है कंपटीशन गुरु के इस मंच पर। तो चलिए वीडियो की आगे शुरुआत करते हैं। आईएएस बनने के लिए जो एग्जाम होता है वो एग्जाम यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अंदर कई सर्विसेज आती हैं, जैसे कि आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और भी कई सारी सर्विसेज। अब बात करते हैं पहले स्ट्रेटजी की। आपका फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फोकस्ड रहेंगे तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। करंट अफेयर्स की पूरी जानकारी रखें, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ जुड़ना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बुक्स पढ़ने की आदत डालें, पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाएं। आपके पढ़ने की रोज़ाना की आदत होनी चाहिए, रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ते रहें। ऐसी ही और भी कई सारी स्ट्रेटजीज अपनाएं ताकि आपका फोकस सिर्फ आपके गोल पर रहे। अब आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 35 साल तक आयु सीमा में छूट दी गई है और इस कैटेगरी के लोग 6 अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। वहीं ओबीसी के लिए 21 से 35 साल की आयु सीमा और इन्हें 9 अटेम्प्ट्स की छूट दी गई है। वहीं एससी एसटी के लिए 9 लिमिट रखी गई है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। आपकी किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसमें कोई भी मिनिमम परसेंटेज नहीं है, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। अब अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो यह एग्ज़ाम 3 चरणों में आयोजित जाता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स की बात करें तो यह परीक्षा एक ही दिन में 2 पालियों में आयोजित होती है। मेंस में 9 पेपर होते हैं और मेरिट बनाने के लिए 7 पेपर्स को जोड़ा जाता है। और इसके बाद बारी आती है इंटरव्यू की। आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।